नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 4 बजे मैं आपके लिए खूबसूरत सा एक सेशन लेकर आता हूं जिसमें हम लोग CBSE क्लास 10th की NCERT ख़त्म कर रहे होते हैं। इसी सीरीज़ में हम लोग आज 8th लेक्चर में पहुँच गए हैं और यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 कराने वाला हूँ। इसके बेसिक्स मैंने कल वाली वीडियो में करा दिए थे और आज हम लोग 8.3 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसके बाद हम 8.4 करेंगे और हमारा ये NCERT का पूरा चैप्टर जो है वो बाइंड अप होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बीच बीच में आपको वीडियोस में, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बीच बीच में आपका कभी कभी संडे को रिवीजन करवा दिया करूंगा, जिससे आपको सारी बातें कभी भी भूलने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो कल का मैं हल्का सा आपको रिव्यू दे दूं कि मैंने आपको कल की वीडियो में क्या कराया है। जिसने मेरी कल की वीडियो की देखी है बहुत अच्छी बात है, और जिसने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी है उसके लिए मैं हल्का सा रिवीजन कराता हूं कि मैंने कल क्या कराया है। ओके, कल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया। बेटा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताऊंगा कहाँ से आए हैं ये प्रूफ, कैसे हुए, ये आप कल की वीडियो में देख कर आइए और अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है, आप वहाँ पर उसको सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का। एक्सरसाइज 8.3 के हम क्वेश्चंस करेंगे आज आप, और बहुत ही आसानी से आप उनको क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे आज। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 एंड कॉस 72। सर, आपने तो हमें 30, 60, 45, 0 एंड 90 इनकी वैल्यूज लर्न करवाई थी। सर, 18 की वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है, 72 की वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है, तो सर हमसे कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन? तो बेटा, यही तो एक्सरसाइज 8.3 का मेन कॉन्सेप्ट है। जिन वैल्यूज़ को आपने लर्न किया था 8.2 में, उनकी जब वैल्यू, जब यहाँ पर 60 लिखा होगा तो आप डायरेक्ट लगा के पुट करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब 18, 72, 67, 43 कुछ भी आपका लिखा होगा तो आपको वो चीज़ ना लगा कर 8.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। तो आइए, जुड़ जाइए और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा, साइन 18 एंड कॉस 72 आप देख पा रहे होंगे। बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे कहने से ध्यान से सुनो, आप चेक करोगे, क्या करोगे बच्चों, आप चेक करोगे कि इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री है। बताओ बेटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है या नहीं है, बोलो जल्दी, है या नहीं, कमेंट्स पर करिए बेटा, कमेंट्स करिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आप कुछ समझ पा रहे हैं, गलत सही कुछ तो आंसर देंगे आप। तो बेटा बताइए, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। इट मींस दैट बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लगेगी। ठीक है, पहले चेक करना बेटा, सीधे शुरू मत कर देना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा या नहीं लगेगा वो पहले चेक करना इन दोनों के सम से। तो बेटा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं। तो बेटा, ये साइन है, ये कॉस है, हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, ये आपको दिख रहा है बेटा। ओके, ब्लू कलर प्रॉब्लम कर रहा है, चेंज कर देते हैं बेटा, हम ब्लू कलर हम चेंज कर देते हैं बेटा। और मैंने आपको बात सिखाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, ये बात भी मैंने आपको समझा दी थी। ओके, चलिए, तो इसी का यूज करते हुए बेटा हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, चलिए आइए देखिए। ओके, तो बेटा हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को यहां से। अब बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो मैं ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो करना क्या है आपको, एक को फिक्स करना है, दूसरे को चेंज करना है। बेटा, दोनों को आप चेंज कर दोगे अगर एक दूसरे में तो घूम फिर के क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू को फिक्स रखना है और एक को चेंज करना है। तो सर करके दिखाइए, मुझे बोलने में कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, आइए ज़रा। तो बेटा क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेंगे साइन। बेटा 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं 18 को 90 माइनस 72 नहीं लिख सकता क्या, बताओ, 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते क्या?
18 को लिख लेंगे बेटा, बिल्कुल लिख लेंगे। तो क्या करेंगे आप, साइन 90 माइनस 72 लिख लेंगे इसको, ओके। और बेटा अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस 72, ओके। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको जो चीज यहां पर सिखाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बेटा यहां पर हमारा थीटा है कितना, यहां पर हमारा थीटा है कितना इस वाली चीज में, हमारा 72 ही तो है, 72 ही तो थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, तो बेटा कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 72, ये पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस 72 में। और नीचे कितना रहेगा बेटा, नीचे उतना ही है क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने उसको फिक्स रखा है, ओके। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे बेटा, एक कट हो गए, कितना आंसर आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बेटा आप दाग देख पा रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज लग रही थी सर, 72, 18, हमें तो इनकी वैल्यूज लर्न नहीं है। तो बेटा वहां पर वो कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। और आप चेक कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा होगा तब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाएंगे, वरना किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, तो आप वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि सर क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ये जो बड़े बड़े नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको बच्चों, क्या आपको इसका सम पता है, इनका सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, ओके। ये क्वेश्चंस आपको वैसे दिए ही जाएंगे बेटा, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपको अच्छी अच्छी वैल्यूज दी होंगी, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बेटा इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगे। तो बेटा अगर हम चाहें, मैंने आपको सिखाया बेटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, बोलो बेटा, मैंने आपको चीज सिखाई हुई है पिछली वीडियो से, मैंने आपको ये बात सिखाई थी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो बेटा क्या करेंगे, टेन बेटा अगर 90 माइनस थीटा की फॉर्म में 26 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, बोलो बेटा जल्दी कमेंट्स में। 26 को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो बेटा ये होगा वही लिखा जाता है। आप अभी नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इन्हें के बीच में रिलेशन चलता है बेटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पर 72 था तो यहाँ भी 90 माइनस 72 ही बना, क्यों बना, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर 90 माइनस 64 हो गया, अपॉन क्या चल रहा है बच्चे, कॉट 64, ओके। बेटा टेन 90 माइनस थीटा क्या बताया है, कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस 64, यहाँ पर थीटा कितना है, 64 है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉट 64, ओके। और अपॉन में बेटा क्या है, कॉट 64, तो बेटा ये भी कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया हमारा आंसर। आसान लग रहा है बेटा आपको क्वेश्चन, ये कितने आसान है, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस जुड़े रहना है पेपर हैकर चैनल से, मेरी वीडियोस को देखते रहना है और अपने हाथ से अपने पेन से इनको सॉल्व करते रहना है। इतना काम आप कर लेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, कॉस 48 माइनस, बेटा इसमें अपॉन नहीं है, इसमें माइनस है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे 48 और 42 का सम कितना है, 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम चेक कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, अगर इनका सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगे। तो बेटा आपको हमने सिखाया है कॉस 90 माइनस थीटा, बेटा हर क्वेश्चन में मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, कितना होता है बच्चों, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर बेटा लगेगा कॉस, बेटा 48 को हम क्या लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में लिखेंगे बेटा 90 माइनस 42। अब आपको आदत होनी चाहिए कि ये दो एंगल दिए होते हैं ये आपस में खेलते रहते हैं बेटा एक दूसरे से, जब ये 48 है तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 42 माइनस, ये तो बेटा एक को फिक्स रखना है, ये बात ध्यान रखना, अगर आपने दोनों को सॉल्व कर दिया तो आप घूम के वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आपने शुरू किया था, ओके। तो एक को फिक्स रखना है, दूसरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, बेटा वो फिक्स है पहले से ही, ये बेटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों,
बोलो आंसर कितना आएगा कमेंट्स में बेटा, 1 आएगा या 0 आएगा, आप ये मुझे बताइए। 1 आएगा या, बोले सर ये क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं बेटा, आधे बच्चे गलती कर देते हैं बेटा। यहाँ पे 1 आंसर आएगा या 0 आएगा बताइए आप। 0 आएगा पक्का जी, 0 आएगा बेटा। जब दो चीजें सेम होती हैं और डिवाइड करते हैं तब आंसर 1 आता है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो 0 ही आता है, तो कन्फर्म है ना। कन्फर्म चीजों में भी बच्चा कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। मैंने मेरी मुंह से आपके कानों में तक पहुंची हवा, तो अभी आप कभी भूलोगे तो सर की बात याद आ जाएगी। ये बात अभी नहीं समझोगे आप, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना तब आपको ये बात समझ में आएगी, हाँ सर सही कह रहे थे। यहाँ पर बेटा हम कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी और किधर की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि पढ़ाई को उसे जोड़ सकें। आपको हो सकता है वो क्वेश्चन याद ना आए एग्जाम में, लेकिन हमारी वो वाली बात याद आ जाए, तो वो बात याद आने से कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन याद आएगा। तो हमारा काम है आपको बस क्वेश्चन याद दिलवाना, किसी भी तरीके से वो होना चाहिए बस, ठीक है। ये हमारा कितना जाएगा बच्चों, ये 0 डिग्री आ जाएगा, 0 सॉरी 0 आ जाएगा, डिग्री नहीं लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, कौन करके दिखाएगा इसका आंसर बताइए जल्दी साहब। कॉस सेक 31 माइनस सेक 59, क्या इनका सम बेटा 90 डिग्री है बताइए कमेंट से मुझे जरा, क्या इनका सम 90 डिग्री है। 59 और 31 का सम 90 होता है जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है, बाकी आप बताइए कमेंट्स में येस एंड नो कर दी। लाइक बेटा जरूर कर दीजिए वीडियोस को, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं क्या उतने लोग इसको लाइक नहीं कर सकते बेटा। कितना टाइम लगता है क्लिक करने में, कोई दर्द वर्द तो नहीं होता उंगली में, अरे लाइक भी क्लिक कर दिए दर्द हो गया। कमेंट्स करिए अच्छे अच्छे, लाइक करिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे बेटा। अभी तो सिर्फ 10th को पढ़ा रहे हैं, अगर सपोर्ट करेंगे तो हम 11th को भी पढ़ाएंगे, 12th को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस क्लास 10th पर है, हम चाहते हैं कि बच्चों का रिस्पांस कैसा आ रहा है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा जाएगा तो 11th 12th की CBSE को भी हम खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ओके। चलिए तो कॉस सेक बेटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इतनी बात पता है, राइटिंग पे माफ करेंगे पता है आपको, तो इतनी बात आपको पता है बेटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली, कॉस सेक 90 माइनस कितना 59, ओके, माइनस सेक 59, इतनी बात समझ में आ गई आपको, बोलिए ठीक है। अब क्या होगा बेटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा सेक 59। और बेटा ये कितना है, ये भी सेक 59, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आंसर आएगा बेटा, 0 आंसर आएगा। इतना बड़ा 0 दिखाया, 0 है नहीं, आप लोग आप तो हीरो लोग हैं ठीक है, हीरो और हीरोइंस हैं लेकिन ये 0 आंसर आ रहा है तो ये मेरी मजबूरी है इसको 0 लिखना, ठीक है। 0 की कोई मतलब नहीं होता, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब चलते हैं बेटा, हमें हल्का हल्का आइडिया लग गया कि हाँ सर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स जो होते हैं जिनका सब 90 डिग्री हो रहा होता है, एक को फिक्स करते हैं दूसरे को चेंज करते हैं, ये सारी बातें हल्का हल्का आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपग्रेड होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा अपग्रेड होगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखेंगे और ये बात मेरी नोट कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा समझिए तब आपको मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, इससे एक क्वेश्चन आना है आना है आना है, ठीक है, इस वाली लाइन से। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE क्लास 10th के लिए, इसको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ बेटा। इसमें है 4 एंगल्स, आपको दिख रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा है तो कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगा, ओके। चलो बेटा क्या होगा, आपको 4 दिया, सिर्फ 10 दिया है, चेंज किस में करोगे जो काट सकें, ना माइनस होगा ना डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं, इनमें 2 नंबर्स का पेयर बनेगा और इनमें 2 नंबर्स का पेयर बनेगा। सर आपने ये कैसे कह दिया बेटा, फिक्स है, मैंने क्या कहा, फिक्स है। क्वेश्चन ऐसा सेटअप होता है उसमें अपने आप ही वो दो दो के पेयर बन रहे होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, 4 नंबर हैं, दो दो के पेयर बनेंगे, अब वो 8 नंबर दे दे तो 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि छोटा क्वेश्चन समझ के आपको पता करना है लॉजिक क्या है। क्वेश्चन तो बेटा इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर होते तो भी आप कर लोगे, 4 दिए मैं करा रहा हूँ, 6 दिए होंगे तब भी कर लोगे, 8 दिए होंगे तब भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझो। तो बेटा क्या होगा, 48
और बेटा 42, बताओ बेटा इनका सम कितना होता है? आया समझ में? क्लिक किया माइंड में? 48 और 42 का सम कितना होता है? 90। ओके, अब इनकी बात करते हैं। 23, 67, बेटा इनका सम कितना होता है? 90। यही मैं कह रहा था कि फोर नंबर दिए तो दो दो के पेयर बनेंगे, सिक्स दिए होंगे तो थ्री थ्री के बनेंगे, एट दिए होंगे तो फोर फोर के बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर, नहीं बनेंगे तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपके क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो करेंगे क्या बेटा, इन दोनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिख सकते हो आप। 1048, 1042, ठीक है, 1048, 1042, उसके साथ साथ 1023, 1067। ओके, आ जाओ जरा, 1023, 1067। तो बेटा मैंने आपको सिखाया है कि एक को फिक्स रखते हैं, एक को चेंज करते हैं। तो जहां यहां पर एक पेयर में दो आ रहे हैं, तो दो में से एक को फिक्स रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। क्या बोला मैंने? इसमें दो पेयर बन रहे हैं, तो दो, एक पेयर में दो आते हैं, तो दो कितने? 48 और 42, इनमें से एक को फिक्स करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो बेटा मान लीजिए आपने 48 को चेंज किया, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 1090 माइनस, बेटा 48 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 42 ही तो लिखेंगे। ये सॉल्व भी आप कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, यही नंबर आता है। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, आपको ये फील आ जाएगा कि सर ये सेम नंबर ही आता है, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी आप स्टार्टिंग में करेंगे कि सर 90 माइनस 48, 42 आएगा, इसको लिख दिया, इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। इतना बात हो गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट खत्म। अब इधर देखो, इसको भी चेंज कर लो, 10 90 माइनस 67, और इसको फिक्स कर लो 1067। ठीक है, इसको फिक्स कर लो, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है? 1090 माइनस थीटा क्या होता है बोलो जरा? 1090 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो बेसिकली हमारा ये रिलेशन लगेगा इसमें, ओके, हमारा ये रिलेशन लगेगा, ये वाला, ओके, ये वाला, ये लगेगा इसमें, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए आ जाइए इस पर, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, आ जाइए। चलिए तो बेटा देखो जरा, 1090 माइनस थीटा क्या होगा, अभी दिखाया मैंने कॉट थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा कॉट 42, और ये हो जाएगा 1042, ये भी बेटा 1090 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट 67, और ये क्या चल रहा है हमारा? 1067। ठीक है, ये सब चल क्या रहा है? ये सब LHS चल रहा है बेटा, ये तो ध्यान रखना आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, हमें वन प्रूफ करना है, ओके। क्वेश्चन का आंसर हमें दिया हुआ है वन, हमें बस प्रूफ करके दिखाना है कि वन इसका आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ज़रा आपको एक बात बतानी है मुझे थोड़ी सी, जो आप भूल गए होंगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा ये जो होता है 10 थीटा, ये कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? ठीक है, ओके। और एक चीज और, कि 10 थीटा और 1/10 थीटा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आप खुद बता दो बेटा, कितना आएगा? वन ही तो आएगा, वन ही तो आएगा। बस इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखो, 10 थीटा into 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये चीज यहां पर लगेगी और ये वाली भी चीज लगेगी बेटा। चलिए इन दोनों चीजों को आप माइंड में रखो और मैं आपको लिख के दिखाता हूं मैंने क्या सॉल्व किया था अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, दो बार पढ़ाना पड़े चाहे तीन बार। तो बेटा क्या आया था हमारा? 1042, ठीक है, देख लेंगे एक बार। ये है 10 cot 42 cot 42, और आया था बच्चे 1067 cot 67। ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी तक आया हुआ है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करूंगा बेटा, मैं पांच पांच बार बताऊंगा एक क्वेश्चन को, लेकिन कराऊंगा जरूर अच्छे से, ओके।
तो बेटा क्या सिखाया मैंने आपको पिछली स्लाइड में, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा को हम वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो टेन 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉट 42 नहीं लिख सकता बेटा, यहाँ पे 42 है, कॉट 42 नहीं लिख सकता बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है कॉट 42। सर ये क्या कर रहे हो बेटा, वही वाला कॉन्सेप्ट, एक को फिक्स रखना है दूसरे को चेंज करना है, दोनों को चेंज करोगे घूम के वहीं आ जाओगे। इसमें बेटा एक को चेंज कर लो, वन अपॉन कॉट 60, वन अपॉन कॉट 67 इंटू ये फिक्स रख दो कॉट 67। अब देख पा रहे होंगे बेटा चारों चीजें किसमें हैं, मल्टीप्लाई में ही तो हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो बेटा क्या होगा, कॉट 42 कॉट 42 कॉट 67 कॉट 67। बेटा कितना आंसर आ गया, वन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और हमारा यही क्या है बेटा, यही क्या है RHS, यही हमारा क्या था RHS था। तो आपने देखा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम ने आपको कराया, ठीक है। 1048, 1023, 1042, 1067, अगर जिस बच्चे ने सेकंड एक्सरसाइज की है उसके लिए तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हमने तो उसको सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद करवाई है, इनकी तो हमने वैल्यू याद ही नहीं करवाई। लेकिन जब वो 8.3 के कॉन्सेप्ट हमारे साथ पिछली वीडियो में सीखेगा तब वो कहेगा कि अरे सर बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना भी ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में कराए, क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्या है बेटा, 1048, 42 मैंने आपसे कहा दो का पेयर बनेगा जिसमें 90 बन रहा होगा, और दो का पेयर बनेगा जिसमें 90 बन रहा होगा। तो 48, 42 को साथ में लिख लिया, 23, 67 को साथ में लिख लिया। तो मैंने इसमें क्या किया, दो का पेयर बन रहा है तो एक को चेंज करेंगे, एक को फिक्स करेंगे। ये पॉलिसी चलाइए आप हर जगह, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे यही पॉलिसी रहेगी, एक को फिक्स एक को चेंज, एक को फिक्स एक को चेंज। बेटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 42, इसमें इस पेयर में मैंने क्या किया 23 को चेंज किया। अब 1090 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा होता है, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझा दी कि 10 थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और 10 थीटा की जो 10 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों रिलेशन का यहाँ यूज हुआ, यहाँ पर 1042 को मैंने 1 अपॉन कॉट 42 लिख दिया इस रिलेशन के हिसाब से। उसके बाद और इनको कैंसिल आउट कर दिया मैंने इस रिलेशन के हिसाब से। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं तब जाके आपका ये आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टू के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सबसे लेंथी क्वेश्चन वही वाला होता है बेटा जो 10 के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है इसमें बेटा, इसमें भी क्या करेंगे, कॉस कॉस साइन साइन। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, कॉस वालों को एक को फिक्स, दो है ना, तो मल्टीप्लाई में आपको चार दिख रहे होंगे, चार नहीं है, वो माइनस वाला जो ऑपरेटर होता है वो चेंज करता है, वो डिफाइन करता है कि कितने टर्म्स हैं। तो माइनस बीच में लगा है तो ये एक टर्म है पूरी, और ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है। तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें वो आपके ऊपर है, लेकिन चेंज एक को ही करना, वही वाला कॉन्सेप्ट वही पॉलिसी, एक चेंज एक फिक्स। तो क्या होगा बेटा, कॉस 38 अगर मैं लिख दूं आपसे, लिख दूं अगर मैं आपके कॉस, वाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 माइनस 52, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 38। ओके बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ नहीं ना, आसान है आपको। सर आपने दोनों चेंज कर दिए, अरे बेटा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपको सर आप एक को फिक्स करते थे एक को चेंज करते थे, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन टर्म भी तो देखो, ये दो टर्म है तो एक पूरा चेंज होगा, पूरा माइनस ये सेम रहेगा साइन 38 साइन 52। ओके बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा बेटा, साइन 52। सर ये डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो आप, डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं बेटा, अब तक आपने वीडियो देख ली है उसमें बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा ये थीटा है, कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी बेटा क्या है यहाँ पर, आपको देखो बार बार बताने में गलत हो जाता है। चलिए जो भी है क्वेश्चन जान दो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर कितना जाएगा साइन, ये जाएगा बेटा साइन 38 साइन 38 माइनस, ये बेटा एज इट इज कॉपी कर दो, साइन 38 साइन 52। अब आप देखो मैजिक जादू देखो बेटा, साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38 सेम टर्म्स है बेटा, दोनों टर्म्स कैसी हैं, सेम है। अब सेम टर्म्स है तो बेटा कुछ बचा क्वेश्चन में, कुछ बचा क्वेश्चन में बोलो जरा, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई आपको क्या, नहीं आई ना, अब बेटा कैंसिल कर दो, दोनों सेम टर्म्स है, पूरा कैंसिल कटेगा बेटा पूरा,
कितना आंसर आएगा हमारा? बड़ा अंडा। कितना? बड़ा अंडा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस रहे। ठीक है बेटा, आपको कैसा लगा आज का सेशन? मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बेटा क्या कराया, पहले मैंने आपको कल का रिवीजन कराया। बेटा यही तरीका है मेरा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होने वाली मेरे क्लास में। बहुत ही आसानी से आपको समझाना है, ठीक है? मुझे आपको आगे तक के लिए तैयार करना है, ठीक है? क्लास 10th ही नहीं, 11th 12th, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने आए तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो मैं आपको, कहीं आपको लगता होगा सर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटा आप थोड़ा सा स्किप करिए उसको, ठीक है? इग्नोर करिए, मुझे इग्नोर करिए, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन जिस बच्चे को कम समझ में आया है, बार बार उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा। तो हम उसके उसको सोच कर भी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई, ये हो गया क्लास हमारा आज का। एक्सरसाइज 8.3 कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे हम आपके लिए। पीडीएफ आप हम आपको डलवा देंगे इसकी। इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे, इसलिए मैं आपको ये रोक रोक कर दिखा रहा हूँ सारी स्लाइड, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये हमारी क्लास आज की वाइंड अप होती है। कैसा लग रहा है बेटा आपको हमारी क्लासेस को लेकर? आपको क्या मैथ्स के ऊपर कमांड होती जा रही है, इसके बारे में कौन बताएगा? महाशय आप ही बताएंगे, ठीक है? इनको आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है? और मैं जानना चाहूँगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे, जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इसको लाइक करे, और कमेंट्स में जैसा भी उसको समझ में आ रहा है बेटा कि आ रहा है सर, कम आ रहा है, कुछ तो बताए, ठीक है? इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। ओके, कल मैंने आपसे कहा था अपना जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको उतार कर अच्छी जगह पर रख दें, सेफ रखें, ठीक है? उसको ऐसा ना हो कहीं पर गिरा हो, ठीक है? कहीं पर कुछ भी झुका हुआ हो। 15 अगस्त फिर से आएगी, फिर से तिरंगा लहराएगा, और हमारा देश की आन बान शान तिरंगे को हम आसमान में फहराएंगे। लेकिन अभी उसको सम्मानजनक उतार कर रखेंगे, और ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कहीं उसका अपमान ना हो। ओके, देश की आन बान शान है बेटा, हमारे दिलों में बसता है तिरंगा, ठीक है ना? उसको दिल में बसाएं। और फहराने का जो प्रोसेस था वो बेटा 15th ऑफ अगस्त के लिए ही था। बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव था हमारा, 75 साल पूरे हुए थे हमारे, तो वो चीज़ हो गई है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा, उस पर हम ये प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तिरंगे का सम्मान करें, और उसको साफ सुथरी जगह पर, एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वो अच्छी तरीके से रखा रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तिरंगा है वो बेटा हमारा, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए उसमें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? साफ रखेंगे हर तरफ, अपने देश को साफ रखेंगे, अपने शहर को साफ करेंगे, अपने घर को साफ करेंगे, ठीक है? और अपने मन को, दिल को, सबको साफ करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।